मेरे रफीले दर्द जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद तौफीक साहब कासमी नामक बरकात हो स्टेज पर तशरीफ फरमा है और जनाब हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हजरत मौलाना सलीम साहब नामक बरकात हो और हसन साकी ऑफिसर पेज के एडिटर मेरे बड़े ही अजीज दोस्त तारिक तौसीफ साहब ईसा नगर से तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर यूट्यूब के जरिए आपके इस प्रोग्राम को दिखाएंगे। तो आइए हजरत अब मैं सीधे सीधे अपने शेरी सफर का आगाज चार मिसरों से कर रहा हूँ। एक बार पूरा पंजाब तरफ पर कह दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह
का एक मतला और जनशीर आप हजरात की खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। बताओ खास मुलाजा फरमाए तो एक बार शेर हासिल करता हूँ, देखिएगा। Sahaba
लगे हैं। दोस्तों मैं चार मिसरे ना मैं चार मिसरे से कराम के हवाले से आप साथ ये खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। बतौर खास मुलाजा फरमाए जैसे के सीने में बसा अल्लाह का कुरान है। मतलब कहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कि जैसे के सीने में बसा अल्लाह का कुरान है। जैसे के सीने में बसा अल्लाह का کرام کے والدین کو یہ شعر پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تاج پہنیں گے وہ سورج سے بھی روشن حشر میں سورج سے روشن حشر میں تاج پہنیں گے وہ سورج سے بھی روشن حشر کی خوبصورت سوالوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص مناظرہ فرمائے اس نے حاصل کہہ دیجیے سبحان اللہ اس نے حاصل اس نے حاصل یا سب سے
उनका मतलब वो मरतबा क्या है बंद हासिल कर रहा हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि जिनके सदके ये चमकते हैं फलक पे तारे जिनके सदके ये चमकते बने के खादिम आए उनके दर पे जिब्रील अमीन बने के खादिम आए उनके दर पे जिब्रील अमीन उनके ये फरिश्ते उसको
कोशिश की आप अब